मित्रों, प्राय लोग मुझे पूछते हैं ध्यान के बारे में, ध्यान कैसे किया जाए। तो मैं प्राय उनको कहता हूँ कि आप निर्विचार स्थिति में रहना है, आपको एक नो माइंड की स्थिति में रहना है। तो किसी भी चीज़ पर या विषय पर या मूर्ति पर या भगवान पर आपको एकाग्रता करनी नहीं है, आपको तो साइलेंस रहना है और मन में जो भी विचार चलता है उनके प्रति उपेक्षा करना और निर्विचार रहना। तो प्राय लोग कहते हैं ये कैसे संभव हो पाता है, क्या ऐसी भी स्थिति कोई हो सकती है जहाँ कोई विचार नहीं चलता है? तो उनके ये बात हजम नहीं हो जाती, क्योंकि हमको नो माइंड का, बियॉन्ड माइंड का जो स्थिति है उसको अनुभव नहीं है। तो हमको लगता नहीं कि इस माइंड के पार भी कुछ है, इस मन में चलते हुए विचारों के पीछे भी कुछ है, या ऐसी भी स्थिति एक हो सकती है जहाँ विचार नहीं होता, जहाँ शरीर का अनुभव नहीं होता, जहाँ मन का अनुभव नहीं होता। तो बियॉन्ड माइंड क्या है इसको पहले हमको समझना होगा, तो ही हम इसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो इसमें जाने आप कि माइंड से हमको जो भी अनुभव होता है वो सब संसार होता है, और अध्यात्म का जो भी अनुभव होता है वो नो माइंड में होता है। माइंड यानी संसार, क्योंकि माइंड का अर्थ होता है जहाँ बीच में मन आ जाता है। संसार और आपके बीच में अगर मन आता है तो जो आपको अनुभव होता है वो अनुभव स्वप्न होता है, वो सत्य का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मन बीच में बाधा खड़ा करता है। जैसा है हमको वो वैसा दिखाई नहीं देता। मन एक चश्मा की तरह काम करता है, और आपके मन में जिस किस्म के विचार चल रहे हैं, जैसे आपके मन में भाव है, तो उसी के प्रोजेक्शन से आप देखते हैं। तो आप जो देखते हैं वो अनुभव आपका मन के द्वारा आच्छादित अनुभव होता है, मन के कलर का अनुभव होता है। अगर आप मन में खुश है तो आप देखेंगे उसको, तो आप एक देखेंगे। आप दुख में है, चिंता में है, तो देखेंगे उसी चीज़ को, तो कुछ और देखेंगे। तो मन के द्वारा जो अनुभव होता है वो सत्य का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मन सत्य को ढक देता है, वो एक पर्दा की तरह काम करता है। तो मन के द्वारा जो अनुभव होता है उसमें इंद्रियां बीच में आती है। जैसे आप इस आँख से देखते हैं तो जो आपको दिखाई पड़ा वृक्ष या आदमी, तो उसके बीच में आपके आँख आ गई, और आप उस वृक्ष को या उस आदमी को आँख के सहारे देखेंगे। पहले तो दो खड़ा क्रिएट कर देंगे आप, दो सब्जेक्ट, एक आप जो देखने वाले हैं और एक वो वृक्ष जो दिखाई देता है, और उसके बीच में आपकी आँख आ जाएगी। तो ये सत्य का अनुभव नहीं होता है। सत्य का अनुभव ऐसा होता है कि आप किसी वृक्ष को देखते हो, आपकी आँख वृक्ष को दिखाई देती है, देखती है, और आप जो हो वो और वो वृक्ष जो हो वो दो नहीं होता, वो एक ही होता है। ऐसा होता है कि जैसे आप ही आपको देख रहे हैं। आप चाहे एक वृक्ष को देखो, चाहे एक आदमी को देखो, आप जिसको देखोगे उसको जानोगे कि वो भी आप ही हो, मगर बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, वो आपकी आँख देखेगी, है ना? मगर सत्य वो नहीं होगा। सत्य तो वो होगा जो आपको अनुभव होता है, है ना? आपको ये अनुभव होगा कि उस वृक्ष के आर पार जो शून्य आकाश है वो, और आपके भीतर बाहर जो आसपास शून्य का अनुभव है, वो दो शून्य का अनुभव नहीं है। इसलिए वृक्ष और आप दो अलग नहीं होते हो, एक ही शून्य ने आपको और वृक्ष को जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए बियॉन्ड माइंड से आप देखेंगे तो आप एक देखेंगे, है ना? इसीलिए कहता है ना कि परमात्मा एक होता है।
इसका क्या अर्थ? इसका यही अर्थ है कि जहाँ भी जो कुछ भी है वहाँ सभी जगह शून्य आकाश ने उसको घेर के रखा है, तो आपको भी घेर के रखा है। तो भीतर से जब आप अपने को अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे जहाँ भी जो कुछ भी है वो सभी कुछ आप ही है। तो वो अनुभव आपको इस आँख के देखने के द्वारा तो नहीं होगा, इस आँख से देखने के द्वारा तो आपको उस वस्तु के लंबाई चौड़ाई गहराई जो कुछ भी है उसका स्ट्रक्चर वो आपको दिखाई पड़ेगा, और आप दो भिन्न बना देंगे, अपने को भिन्न बना देंगे और उस दृश्य को भिन्न बना देंगे। तो बीच में आँख आ गई, आपका मन आ गया, तो आँख के पीछे जो आपका मन है वो आ गया, और उस मन ने क्या कर दिया, आपको दो बना दिया, एक उसको दृश्य बना दिया, एक आपको दृष्टा बना दिया। तो बियॉन्ड माइंड से जब आप देखेंगे तब आप दो नहीं बनाएंगे, आप जो देखने वाले हो बोध, एक शून्य बोध, वो शून्य का बोध सभी तरफ फैला है, तो वो वृक्ष के पीछे भी फैला है, आदमी के पीछे भी फैला है। तो आपको ये अनुभव होगा कि वो और आप वो दोनों एक ही है नहीं? और वो बाहर जो दिख रहा है इस आँख से उसका वैल्यू नहीं है, वो खाली बाहर का खोल है, उसका जो अंतरतम स्वभाव है वो तो आप भीतर से अनुभव करोगे। तो संसार का अनुभव आपको मूल्यवान लगेगा नहीं, तो जो देखोगे उसको आप देखोगे बस है, उसके पीछे आप उसकी व्याख्या नहीं करोगे। मगर ये मन का जो अनुभव होता है, मन के द्वारा जो संसार का अनुभव होता है, तो इसी तरह का अनुभव होता है, जहाँ भी आप देखते हो वहाँ आपकी इंद्रियाँ बीच में आती है और वो अलग कर देती है उस दृश्य को, और आपको भी वो अलग कर देती है, और आप गड्ढा मड्ढा देखते हो जो वहाँ है ही नहीं वो देखते हो। और जैसे आपके मन में भावधाराएँ चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, तो उसी किस्म से आप देखोगे, तो प्रोजेक्शन से आप देखोगे। इसलिए मन के द्वारा जो भी अनुभव होता है वो अनुभव होता है झूठ। इसीलिए कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जगत को मिथ्या कहा। मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि ये जगत हमारे मन के द्वारा अनुभव होता है, और मन जहाँ अनुभव करता है उसको टुकड़ों में बांट देता है, उसको अलग कर देता है। उसके भीतर जो छिपा हुआ नो माइंड है, बियॉन्ड माइंड है, उसको माइंड अनुभव तो नहीं कर पाता। इसीलिए कहा, इसीलिए मन के द्वारा जो अनुभव होता है वो स्वप्न होता है। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं वो होता नहीं है, वो माया है, वही है मिथ्या, वो वास्तविक नहीं है, मगर मन उसको क्रिएट करता है, मन उसको दिखाता है वहाँ नहीं। कैसे दिखाता है? जो उसको मन में विचार चलता है उसको इमेज बनाता है, और उस इमेज को वो अब आपसे अलग कर देता है, भिन्न कर देता है। भिन्न करने के बाद फिर आप हो जाती हो एक स्वप्न देखने वाला, और विचार होता है जो स्वप्न दिखाई पड़ने वाला, और ये स्वप्न चलता रहता है। तो मन के जो भी अनुभव है उसमें आँख आएगी, कान आएगा, शरीर आएगा, हम शरीर के माध्यम से संसार का अनुभव करेंगे, ये मन का अनुभव है। और हमको यही अनुभव होता है, इससे अलावा हमको अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमको ये बात हजम नहीं हो पाती जबकि कोई कह दे कि ऐसा भी अनुभव होता है जहाँ मन नहीं होता है, जहाँ विचार नहीं चलता है, आप शून्य हो जाते हैं, तो लोग इस बात पर विश्वास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं लगता है उनको, क्योंकि उनको तो जो भी अनुभव होता है इसी शरीर के माध्यम से अनुभव होता है, ये शरीर बीच में आता है ना, ये पूरा का पूरा शरीर आप और उस दृश्य के बीच में खड़ा होता है, और आप उसको जब देखते हो ये शरीर प्रोजेक्शन बनाता है, तो शरीर कैसा है तो उस किस्म से आप उस दृश्य को देखोगे। शरीर आपका बीमार है तो आप उस दृश्य को कुछ और देखोगे, शरीर आपका स्वस्थ है तो उस दृश्य को आप कुछ और देखोगे, आपके शरीर में चिंताएं हैं तो और देखोगे, थोड़ी सी खुशी है, आशा है, तो कुछ और देखोगे। यानी कि ये शरीर बीच में खड़ा हो जाएगा और आप देखोगे तो वो प्रोजेक्शन हो गया, तो इसलिए उसको कहा ये मिथ्या होता है। तो नो माइंड क्या होता है?
बियॉन्ड माइंड की जो बात है वो क्या है, वो यही बात है कि बीच में शरीर नहीं आएगा और आप सीधे ही अनुभव करोगे, है ना। जैसे बीच में आँख नहीं आएगी, आँख आएगी, आँख के पीछे जो व्याख्या करने वाला माइंड है वो नहीं आएगा। जैसे आपने किसी पेड़ को देखा और आप देखते वक्त ही पीछे से आपका मन व्याख्या करेगा, वो पीपल का पेड़ है, वो हरा है, वो ऊंचा है, छोटा है, उसको ये करना है, वो पीपल का पत्ता जो है उसको लेकर आना है, उससे पूजा पाठ करनी है। तो ये वो आपके जिस संदर्भ में आप बैठे हो उस किस्म से आप उस पीपल का व्याख्या करेंगे। अगर आप पूजा पाठ करने वाले हो तो उस वक्त उसका कुछ और व्याख्या करेंगे उसी पीपल का। आप पूजा पाठ नहीं करने वाले हो, आप कुछ और मूड में हो तो उसको और मूड में देखेंगे। आप जानवर को घास खिलाने के संदर्भ में देख रहे हो तो उस वक्त आप उसी पीपल को वो घास की तरह देखोगे जानवर के लिए। आपको क्या चाहिए तो उसी किस्म से आप देखेंगे। मगर नो माइंड का अर्थ ये होता है कि आप और उस पीपल के पेड़ के बीच में न ये शरीर आएगा न ये मन आएगा। पीपल का दृश्य तो दिखाई देगा, आँख देखेगा उसको, जैसा है वो दिखाई पड़े, मगर पीछे से कोई भी व्याख्या नहीं होगी, है। जब पीछे से कोई भी व्याख्या नहीं होगी तब क्या होगा, आप अपने भीतर शून्य होंगे, है ना। आप अपने भीतर शून्य आकाश जैसे होंगे और उस पीपल के पीछे भी उस पीपल का स्वभाव भी शून्य ही है ना। तो अपने भीतर आप शून्य होंगे तो फिर पीपल के भीतर जो शून्य है वो आपको अनुभव में आएगा। वो जब आपको अनुभव आएगा फिर आपको ये अनुभव होगा कि आप तो उस पीपल के पेड़ तक फैले हुए हो, है। वो पीपल अलग नहीं है, आप ही हो। वो भीतर से जो शून्य है वो पीपल के पेड़ तक फैला हुआ है। तो आप उस वक्त जो देखोगे वो अपने को ही देखोगे, आपकी आँख उस दृश्य को तो देखेगी मगर आपका भीतर का जो शून्य है, नो माइंड है, वो उसके साथ जुड़ जाएगी। तो आप एक इंटीग्रेटेड अनुभव हो जाएगा। तो ये जो अनुभव होगा ये सच का अनुभव होगा, ये सत्य का अनुभव होगा। तो सत्य यही होता है जहाँ भी होता है, असंग होता है, निराकार होता है, है। अब ये अनुभव कैसा होता है नो माइंड का, इसको बताने का बताना बता हम नहीं सकते, कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि अनुभव है निःशब्द का, नो माइंड का, और शब्द के माध्यम से हम इसको कैसे बता पाएंगे, है। जो अनुभव निःशब्द का हो उसको शब्द से हम बता नहीं सकते, मगर फिर भी उसके प्रति इंकित करते हैं। जो भी ऋषि मुनियाँ हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने इंकित किया है, संकेत किया है। एडजस्ट शब्द से तो बता नहीं सकता, मगर हम कुछ ना कुछ संकेत कर सकते हैं कैसा होता है वो अनुभव। जैसे कहता है कि वो साक्षी होता है, जैसे कहता है वो सच्चिदानंद होता है ना, सच्चिद आनंद होता है। जैसे कहता है कि वो बोधोहम, वो बोध रूप होता है, है। ये सब बताने वाली बात है मगर अनुभव यहाँ कहीं से नहीं। तो आपको अनुभव खुद ही करना होगा। तो नो माइंड के साथ जो आपको अनुभव होगा वही सत्य का अनुभव होगा, वही ब्रह्म सत्यम का अनुभव। और माइंड के साथ जो आप अनुभव करोगे वो जगत मिथ्या का अनुभव है। हम मिथ्या में जी रहे हैं इसलिए हमको ये मिथ्या ही सच में लगते हैं, मगर जब एक बार भी हमको ये ब्रह्म का अनुभव होता है, और ब्रह्म जो मैंने कहा ना, ब्रह्म का क्या अर्थ, जो फैलता हुआ, जो विराट है, जो खुला है, तो अनंत है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और जो अनंतता का अनुभव है वो एक अनुभव होता है। इसलिए इस अनुभव में आपको दो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा, है। जहाँ भी देखोगे आप, जो कुछ भी देखोगे, वहाँ पीछे से मन व्याख्या नहीं करेगा, मन बचेगा नहीं, और आप अपने भीतर शून्य में खड़े होंगे तो सभी जगह का जो शून्य फैला हुआ है उसके साथ एक हो जाएंगे। तो आप गहरे में देखेंगे किसी भी चीज़ को, ऊपर से वो दृश्य तो आपको दिखाई पड़ेगा आँख के द्वारा, मगर भीतर से आप कनेक्ट होंगे उस अस्तित्व के साथ, सभी के साथ आप कनेक्ट होंगे। तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आप अकेले ही हो और कुछ है नहीं, है। जहाँ भी हो, जो कुछ भी हो, आप ही हो, आप ही वो सब कुछ देख रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप ही कहने वाले हो,
आप ही सुनने वाले हो, आप ही दृश्य हो, आप ही दृष्टा हो, दो है ही नहीं। तो इस तरह का अनुभव होगा, मगर इस अनुभव को कैसे हम प्राप्त करें ये मूलभूत बात। तो इसमें तो पहले ये बात समझनी होगी कि जो कुछ भी हमारा ये अनुभव है संसार का, वो माइंड के द्वारा हुआ अनुभव है। तो अब हम नो माइंड के द्वारा जीवन का अनुभव करेंगे तो इस माइंड को हम महत्व नहीं देंगे। तो मूलभूत समस्या यही होती है, हम माइंड को बहुत महत्व देते हैं, हम माइंड को छोड़ना नहीं चाहते ना। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि लोग को जब कहें कि ऐसी ध्यान की स्थिति है जहाँ विचार नहीं होता, तो लोग इस पर राजी ही नहीं होते, तो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते माइंड को। वो मानते हैं कि माइंड ही सभी कुछ है। तो माइंड को छोड़ना है, पहले समझना है कि माइंड का अनुभव ये मिथ्या अनुभव होता है, इसलिए हम माइंड के पार चलेंगे तो माइंड को वैल्यू नहीं देंगे। तो ये बात समझनी है। फिर उसके बाद आपको अभ्यास करना है निर्विचार कैसे रहना है। तो शुरुआत में ही सभी जगह पर निर्विचार का अनुभव तो आपको नहीं होगा। तो पहले 1-2 घंटे आपको ध्यान में बैठ के आँख बंद करके अपने भीतर जो कुछ भी अनुभव होता है, शारीरिक मानसिक अनुभव, तो उसके पीछे जाना है, उसके गहराई में जाना है, उसको भी पीछे से व्याख्या नहीं करना है, तो मन के साथ उपेक्षा करके आप अपने भीतर डूबना है, अपने भीतर के निर्विचार आकाश में डूबना है। जितना जितना आप अपने भीतर के निर्विचार शून्य में डूबते जाओगे, उतना उतना आपका माइंड पीछे पड़ता जाएगा और आप अस्तित्व के साथ एक होते जाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे कुछ मेडिटेशन के वीडियो जो आपको निर्विचार अवस्था में ले जाते हैं, तो ऐसे मेरे पास भी हैं। अगर आप उन वीडियोज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।